हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, देश के किसी भी हिस्से में आप काम कर रहे हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, निवेदन करूंगा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह हिली हुई है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी जो है हमारी, बहुत बुरी तरह हिली हुई है। तो इससे हो क्या रहा है कि अर्थव्यवस्था हिलने की वजह से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन पे उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। और ऊपर से जब से ये कोरोना वायरस आया है इंडिया में, तब से इंडिया में नहीं भी आया है तो जिस भी संसार के किसी भी हिस्से में आया है तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ा है। शेयर मार्केट का बुरा हाल है, कई बैंक लुट चुके हैं दोस्तों, येस बैंक का आपने हाल देखा, और कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिन पे बहुत बुरा असर पड़ा है, ट्रैवल इंडस्ट्री पे, ऑटोमोबाइल्स पे, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत बुरा असर इसका पड़ा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ और कंपनियाँ ऐसी हैं जिन पे इसका कोई असर पड़ा नहीं है या ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, बट इनको एक मौका मिल गया है अपने एम्प्लॉयज़ कम करने का या जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको निकालने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में खास क्या है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको दो नंबर बताऊंगा, जिसमें से एक नंबर जो है वो है आपका श्रमिक हेल्पलाइन का। अब आप सोचेंगे श्रमिक हेल्पलाइन क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह गृह मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय होता है, उसी तरह एक श्रम मंत्रालय भी होता है। और ये श्रम मंत्रालय स्पेशली बनता है उन मैन और वुमेन्स के लिए जो काम कर रहे होते हैं, लाइक चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे संगठन में है या गैर संगठन वाला है, तो सबके लिए एक श्रम मंत्रालय बनाया गया है, जिसमें श्रम मंत्री या जो उसकी श्रम मंत्री की पूरी टीम है, उनका काम होता है कि लोगों की मिनिमम सैलरी या फिर किसी भी किस्म की कोई भी सुविधाएं हैं उन सब का ध्यान रखना, और जो लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को टॉर्चर कर रही है या किसी भी वे में इन श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रही है, तो उनको उन पर कार्रवाई करना। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हेल्पलाइंस हुआ करती थी, या फिर जो कार्यालय हुआ करते हैं श्रम मंत्रालय के, जो लेबर मिनिस्ट्री के, इनके जो कार्यालय हुआ करते हैं, उनको अप्रोच करना बड़ा डिफिकल्ट था एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर कोई एम्प्लॉय अगर परेशान है अपनी कंपनी से, अगर उसको उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो जिन ऑफिस फोन्स पे वो फ़ोन करते थे, वहाँ पे कई बार फ़ोन नहीं उठाए जाते थे। कई शिकायतें आती थी ऐसे कि फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं, आपको पर्सनली अलग अलग कार्यालयों में जाके चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इन सबको देखते हुए 2014 में इन्होंने दोस्तों एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी, श्रमिक हेल्पलाइन। और इस श्रमिक हेल्पलाइन का मैं आपको बता दूं, काफ़ी सटीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि घंटी बजती रहेगी और फ़ोन नहीं उठाएंगे, हेल्पलाइन काफ़ी सटीक है, आप इस पर फ़ोन कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले पे आपको जो नंबर दिख रहा है अभी, यही नंबर है, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। और इस पर फ़ोन करके अगर आपको कोई भी इशू है आपकी कंपनी से, आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपको सजेस्ट करेंगे कि आगे करना क्या है। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, आपके साथ अनएथिकल कुछ बिहेव किया जा रहा है जो होना नहीं चाहिए था, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, फिर आपको सजेस्ट करेंगे, आपके जो भी निकटतम, आपके नियरेस्ट जो भी लेबर कोर्ट है वहाँ का आपको एड्रेस देंगे, आप वहाँ जाके फिर केस भी कर सकते हैं। तो ये तो है बात दोस्तों इसकी हेल्पलाइन की, जो ये हेल्पलाइन मैंने आपको बताई है श्रम मंत्रालय की या श्रम विभाग की, तो आप इस पर फ़ोन करके अपनी जो भी कंसर्न है आपके, वो आप पूछ सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है आप जिस भी स्टेट में आपको लगता है कि मिनिमम सैलरी जो है मुझे कम मिल रही है, आपको लगता है कि सैलरी शायद ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, तो आप इनसे भी चेक कर सकते हैं, आप फ़ोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कुछ भी। और दोस्तों, जो दूसरा नंबर मैं आपसे कह रहा था, दूसरा नंबर है ईपीएफ से लेके। कई भाई हमारे ऐसे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनका पीएफ अभी तक कितना कटा हुआ है, कितना जमा हुआ है। तो इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस में वो नंबर शेयर कर चुका हूँ, इस वाले में फिर से मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। आपको करना क्या है कि इस नंबर पर बस मिस कॉल करनी है, आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन अपने आप कट जाएगा और वो तुरंत आपको मैसेज करके वापस बता देंगे कि आपका जो अमाउंट है अभी तक पीएफ में वो कितना जमा हुआ है। बशर्ते, शर्त यह है कि आपका जो यूएन नंबर है वो यूएन के पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर उससे रजिस्टर होना चाहिए, तो उसी मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में ये दो कंसर्न थे, ये दो चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। बाकी आप लोगों को पता ही है कोरोना वायरस ने कैसे तबाही मचा रखी है। इन एनी केस दोस्तों, अगर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक किस तरह इससे बचा जाए, क्या क्या हम स्टेप उठा सकते हैं इससे बचने के लिए, और इसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं इंडिया पे, क्योंकि दोस्तों
चाइना का आपको पता है और वर्ल्ड वाइज यूरोप यूरोपियन कंट्रीज का भी इतना बुरा हाल है, अगर उसका उससे कंपेयर करें तो इंडिया में अभी इतना बुरा हाल नहीं है। अभी यहाँ पे अंडर 100 है, मतलब 100 भी नहीं है जो कोरोना के मरीज हैं। बस इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है। शेयर बाजार लुढ़का हुआ है, कई बैंक घाटे में चल रहे हैं और कई कंपनियां बंद होने की कगार पे हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये इनडायरेक्ट कुछ इफेक्ट हैं जो इंडिया पे पड़े हुए हैं, और दुआ करते हैं कि ये जो अभी तकरीबन 100 जो मरीज बताए जा रहे हैं कोरोना के, वो आगे ना बढ़े, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। दोस्तों कोरोना पे भी अलग अलग किस्म की वीडियोज़ सोशल जो मीडिया है उस पर सर्कुलेट हो रही है, तो आप देखेंगे कुछ में बताया जा रहा है, कुछ में कहा जा रहा है कि इसको WHO महामारी घोषित कर दिया है। तो अगर महामारी है तो इसमें क्या होता है, मतलब बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, मतलब आप यूँ समझिए कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी, इसको इमरजेंसी कह सकते हैं आप, मतलब बहुत ही एक बहुत गंभीर समस्या है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया में अपील की जा रही है कि इससे घबराएं ना, क्योंकि कोरोना वायरस जो है इतना डेंजर नहीं है, ये केवल उन्हीं लोगों पे इफेक्ट कर रहा है या उन्हीं लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है जो काफ़ी बुजुर्ग हैं या जिनमें ऑलरेडी शुगर BP की प्रॉब्लम है या जिनको कैंसर मधुमेह है, इस तरह की जो भी बीमारियाँ हैं वो लोग उससे नहीं लड़ पा रहे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, उनकी बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं वो कम है, तो उस पर ये वायरस जल्दी से अटैक कर रहे हैं और फिर वो इससे लड़ नहीं पा रहे हैं और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और वहीं जो लोग स्वस्थ हैं वो उनको इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो लोग उससे उभर जा रहे हैं, उससे बच जा रहे हैं, ऐसा इंडिया में कहा जा रहा है। इसलिए अपील की जा रही है कि इस बीमारी से पैनिक ना हो, धीरज रहें और सावधानी रखें, बार बार अपने हैंड वॉश करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, अगर जाना जरूरी है तो मास्क लगा के जाएं, क्योंकि जो वायरस है उसकी कुछ एक पर्टिकुलर साइज है जो कि मास्क को भेद के आपके अंदर नहीं आ सकता हो, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे तो मास्क यूज़ करें, अदरवाइज हैंड वॉश करने की आदत डालें, आप बाहर से घर में आ रहे हैं तो हैंड वॉश करें, अगर आपको छींक आ रही है खांसी आ रही है तो जिस तरह ट्रेडिशनली कहा जाता है कि हाथ रखें ऐसे ऐसे, अगर आपको सपोज ऐसे छींक आती है अच्छू तो ऐसे ना करें, क्योंकि हैंड एक ऐसे जो आप बार बार कहीं पे भी छुएंगे, किसी से भी हैंड शेक करेंगे, तो इसका सही तरीका अगर आपको छींक आ रही है खांसी आ रही है तो आप यहाँ पे करें ऐसे, लाइक ऐसे अच्छू ऐसे, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसको आप बार बार नहीं छूते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, और इनकेस अगर किसी को कोरोना वायरस लग भी जाता है, अगर ये COVID-19 हो भी जाता है तो पैनिक ना हो, अगर आपकी इम्यूनिटी है, अगर आप ऐसे बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं तो आप इससे रिकवर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, इस पर आपका COVID-19 एंड प्लस इस पे श्रम मंत्रालय की जो हेल्पलाइन है उस पे, और साथ ही ये EPFO वाला नंबर भी मैंने दे दिया, आप प्लीज़ इसको भी देखिए एक बार। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और दोस्तों से फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, एंड अगली वीडियो फिर मैं लेके आता हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।